गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू बेटा। आज हम प्लस वन फिजिक्स के अंदर हैं। एक तो है ना, सबसे पहले आप लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो, ये ई नोट्स की टर्म्स में आपके पास सेव हो जाएंगे। और कोशिश किया करो कि आप एक लेक्चर में ना तीन बार स्क्रीनशॉट लें, एक बार इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, एक बार लेक्चर के मिड में, और एक लेक्चर जब लास्ट में ख़त्म होता है तब। दूसरा, एक कोशिश करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करो ताकि और लोगों को भी पढ़ने में हेल्प मिल जाए। चलिए, आज का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर। और बेटा वैसे बता दूँ, आज का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप देखिएगा एक बार। सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा अजीब इसलिए लगने वाला है क्योंकि पहली बार आया है। इससे पहले मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आपने सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं पढ़ा था। बोलने से पहले मैं आपको बताऊं, सिग्निफिकेंट फिगर दैट मीन्स ऐसी डिजिट जो हमारे मेजरमेंट में हेल्पफुल होने वाली है, द डिजिट्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द मेजरमेंट। याद है आपको, एक वीडियो में आपको बोला गया था मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन और एक सिंपल मेजरमेंट। हम बच्चा सिंपल मेजरमेंट में क्या बोलते हैं, हमें ना सिंपल मेजरमेंट में बोलते हैं कंपेरिजन ऑफ नोन विद अननोन इज नोन एज मेजरमेंट। बट लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा, लॉर्ड केल्विन ने कहा था व्हेन वी मेजर द नोन विद अननोन एंड आफ्टर दैट वी राइट द मेजरमेंट ऑन द पेपर एंड स्पीक अबाउट दैट, दैट मीन्स आवर मेजरमेंट इज कम्प्लीट अदरवाइज इनकम्प्लीट। तो हम हमेशा लॉर्ड केल्विन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लॉर्ड केल्विन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियसली हमें मेजरमेंट को पेपर पर या बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। और मेजरमेंट कब लिख पाओगे, जब आपको डिजिट्स का पता होगा। तो इसका मतलब किसी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाने वाली टोटल नंबर ऑफ डिजिट, देन दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा देखो, सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गई होगी, फिर भी डेफिनेशन है, यहाँ पर डेफिनेशन पर फोकस करिएगा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट अबाउट विच वी आर श्योर प्लस वन एडिशनल डिजिट विच इज अनसर्टेन इज कॉल्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी डेफिनेशन में दो वर्ड्स के ऊपर ओरिएंट है डेफिनेशन, एक सर्टेन और एक अनसर्टेन, मतलब निश्चित और अनिश्चित। बच्चा एग्जाम्पल को देखिएगा, ये तीन एग्जाम्पल आपके पास हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट फिगर को समझने में हेल्प करेंगे। देखिएगा, एक मेजरमेंट है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपने किसी चीज़ को मेजर किया और बेटा वो 3.2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स दैट मे बी राइट और रॉन्ग, हो सकता है वो गलत या ज़्यादा है। आपने जब मेजरमेंट किया तो आपको बोला गया था कि आप है ना थोड़ा सा ध्यान से मेजरमेंट करेंगे, इसलिए सब बच्चों ने अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स किए हैं मेजरमेंट को सही करने के लिए। फिर देखा कि ये 3.2 जो आपने लिखा है या 3.1 लिखा है या 3.3 लिखा है, सपोज करो कि हमने 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट दिया है, इसमें क्या हो सकता था। इसका मतलब 3.2 में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देखो, या तो वो 3.1 था और हमने गलती से 3.2 लिख दिया, या वो 3.3 है और हमने उसको 3.2 लिख दिया। मतलब क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात सामने निकल करके आ रही है। तो जवाब आ रहा है, सर 3.2, 3.1, 3.3, इन तीनों में 3.3.3, यहाँ पर भी 3.3, आगे वाला वट आर दीज, दीज आर द सर्टेन, ये तो निश्चित है बेटा। तीन तीन मतलब मेजरमेंट 3.2 किया है और हमने कहा कि वो गलत है, तो क्या गलत हो सकता है, हो सकता है कि वो 3.1 था, मतलब एक डिजिट या डेसिमल के बाद बढ़ा दी, या 3.3 है, दो डिजिट बढ़ा दी गई है, दैट मीन्स 3.3.3, तीन तो है, लास्ट में लास्ट वाली डिजिट आपकी गड़बड़ कर रही है। तो जो निश्चित है वो सर्टेन, और जिसमें चेंज आता है वो अनसर्टेन। सबसे पहले तो ये बताओ, आपको समझ आया नहीं आया। तो फिर हमारे पास ना एक बात निकल करके आती है, सर किसी मेजरमेंट में सर्टेन और अनसर्टेन हमें समझ आ गया। तो सर्टेन और अनसर्टेन अगर आपको समझ में आ गया, तो अब दोबारा से डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजरमेंट अबाउट विच वी आर श्योर, एक ऐसी डिजिट जहाँ तक हम बिल्कुल श्योर हैं, 3.3.3, दूसरे वाले में देखो 4.6, 4.5, 4.7, 4.4, 4.5, 5.5,
वन डिजिट अबाउट विच वी आर एब्सोल्युटली श्योर, एक ऐसी डिजिट जहाँ तक हम बिल्कुल निश्चित है कि यहाँ इतना थोड़ा ही है, प्लस वन मोर डिजिट विच इज अनसर्टेन, साथ में एक ऐसी डिजिट जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है कि हो सकता है 3.2 लिया है, हो सकता है कि वो 3.1 भी हो सकता था या 3.3 भी हो सकता था, बट हमने 3.2 लिया है। तो अब समझ आ गया आप लोगों को। तो गाइस कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इज, अब वैसे मैं आप लोगों के लिए बोलूं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इज एक्चुअली द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन, देन दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए ना कुछ दो तीन चार रूल है, उनमें से देखिएगा। पहला रूल है, पहला कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट दी गई हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है। लाइक एज 147, बेटा सिग्निफिकेंट फिगर इज 3147। अब ऐसे मत जोड़ देना 4 और 1 5 7 और 5 12, ऐसा नहीं है, मतलब टोटल नंबर 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 5 4 3 2 1 सिग्निफिकेंट फिगर आर 1 2 3 4 5, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 5। अगर किसी जगह पर 6 1 2 3 लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल यही कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 4। अब बताओ समझ में आया क्या? सेकंड रूल है ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में आने वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होगी, लाइक 1007 बेटा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, 100101 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हो गए 6। तो ये कह रहे हैं इन दिस वे पहला ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, हमने दिखा दिया। फिर कह रहे हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट अकरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में आने वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट होगी। उसके बाद तीसरा रूल है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये ऐसे राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड विद द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लाइक एज ऐसा अगर कोई मेजरमेंट लिख दिया है कि डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। उसके बाद एक रूल आता है कि आफ्टर अप्लाइंग यूनिट इन द लास्ट मेजरमेंट ऑल डिजिट्स बिकम सिग्निफिकेंट, मतलब अगर उससे पहले मैं एक रूल और बोलूं, गाइस यहाँ लिखा नहीं, सिंपल है, इफ़ द जीरो स्टार्ट टू लीड बिफोर एंड आफ्टर द मेजरमेंट देन दे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के आगे जीरो लीड कर गई है लाइक एज, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1, सिर्फ यही, ये जीरो मेंशन नहीं होगी। अगर ऐसा है सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1, ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो अगर लीड कर गई आगे या पीछे जीरो लीड कर जाएंगी तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। बट गाइज लास्ट वाला रूल ये कह रहा है कि अगर जीरो लीड करके गई है और लास्ट में हमने कोई यूनिट लगा दी, अब देखना एक बार कंपेरेटिव दिया जा रहा है 1000 सिग्निफिकेंट फिगर 1, जीरो लीड कर गई इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। बट बेटा अगर 1000 को लास्ट में मैं किलोग्राम लिख दूं, यूनिट लगा दी, 1000 के साथ अगर मीटर लिख दिया तो अब ये सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, और 1 2 3 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4 बट ऊपर वाली में 1, दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो लीड कर रही है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, बट जीरो लीड कर रही है और लास्ट में किसी मेजरमेंट की यूनिट लग गई तो सारी जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। अब आप बताइए मुझे, आपको सिग्निफिकेंट का पता चला? हार्डली 1 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 या 3 हम डिजिट लेते हैं। एक बार है ना, अब मैंने बोला था लेक्चर के बिगिनिंग में मिड में और लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट लिया करो, एक बार ये वाला टॉपिक ओवर हो गया, एक बार इसका सिग्निफिकेंट फिगर का ले लो स्क्रीनशॉट ताकि हो जाए आपके पास डेटा इकट्ठा। ओके ठीक है गाइज, अब अगर हम आगे चलें थोड़ा सा तो हम आते हैं एरर की तरफ। अब बच्चा अगर एरर की तरफ आए तो एरर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बाद हम दोबारा ये भी पूछते हैं कि एरर रीड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, तो उसका भी जवाब निकल करके आएगा सामने कि हम एरर क्यों पढ़ते हैं। गाइज एरर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार बात करूँ, तो बेटा बताया गया है फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट,
फिजिक्स ही एक ऐसी साइंस है जो एग्जैक्ट मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो एरर क्या है, लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की या किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज एरर। लाइक अगर कोई ट्रू वैल्यू सपोज 10 सेंटीमीटर थी और आपने उसको 9.6 सेंटीमीटर मेजर किया है, ये एक्चुअल है 10 सेंटीमीटर और आपने 9.6 सेंटीमीटर मेजर किया है, तो गाइज 0.4 सेंटीमीटर जो बच गया ना दैट इज द एरर। इसका मतलब इतना एरर है, एरर मींस कमी। दैट मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है देन दैट इज कॉल्ड एज एरर। बच्चा सिस्टमेटिकली एरर गेट बी क्लासिफाइड इन अ लॉट ऑफ वे, बहुत सारी तरह के एरर हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप सुनेंगे अच्छा लगेगा आपको। पहला है हमारा कॉन्स्टेंट एरर, मतलब निश्चित गलती, मेजरमेंट में कमी आ रही है, कॉन्स्टेंट एरर है। यहाँ लिखा गया बेटा इट इज़ मेनली ड्यू टू द रोंग कैलिब्रेशंस ऑफ स्केल, मतलब मेजरमेंट हमेशा होता किससे है, किसी ना किसी पैमाने से होता है, किसी स्केल से होता है। हम पहली वीडियो में हमने बोला दुकानदार शुगर मेजर करने के लिए 1 kg का वेट यूज़ करता है, बट्टा यूज़ करता है, एक्चुअल में वो स्केल है। आप लेंथ या ब्रेड्थ मेजर करने के लिए आप भी स्केल लगाते हैं, दैट इज द स्केल। बेटा थर्मोमीटर भी स्केल है, बट हम स्केल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जब भी हम स्केल बोलते हैं तो हमारी नॉलेज में ये वाली चीज़ स्केल निकल करके आती है, जबकि सच्चाई ये है ये लेंथ को मेजर करने का स्केल है। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल थर्मोमीटर है, वेट को मेजर करने का 1 kg का जो वेट है वो मास को मेजर करने का स्केल है। तो चलिए अब आप स्केल तो समझ गए होंगे गाइस, ये मैंने आज इसीलिए रखा है कॉन्स्टेंट एरर ताकि आपको समझ में आ जाए। बेटा ड्यू टू द रोंग कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल, बहुत अच्छी बात बोली जा रही है, प्लीज़ सुनिएगा। मतलब आप जिस स्केल से, सपोज लेंथ को हम इस स्केल से मेजर कर रहे हैं, जिस स्केल से मेजर करते हैं ना उसी में प्रॉब्लम है। लाइक अब आप देखो ये स्केल है, क्या जब ये स्केल दुकान से आया, क्या घर आकर के सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेजर किया था कि ये 0 से 15 सेंटीमीटर लंबा है, और क्या आपने इसको टेबल पर रख करके 0 से 15 तक सारे नंबर और हर डिजिट के बीच की सिग्निफिकेंस से आपने मेंशन की, क्या आपने ऐसा किया? अगर आपने ऐसा मेज़र नहीं किया या काउंट नहीं किया तो हो भी सकता था कि इसके अंदर गलती आई हो। दैट मीन्स अब देखो प्रॉब्लम कहाँ रही होगी, इट मे पॉसिबल दैट कि इस स्केल में 0 और 0 के बाद हमारे पास 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 1 है, फिर उसके बाद देखना बेटा हो सकता है ये 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 2, दैट मीन्स एक डिजिट मैंने कम कर दी। हो सकता है कि जब ये स्केल बनाया गया था उसी टाइम इसके प्रिंटिंग में एक डिजिट भूल गया वो, अब क्या होगा, आपने तो हर बार इसको रखा और लाइन ड्रॉ कर दी, इससे क्या होगा, स्केल ही गलत है बच्चा, स्केल में ही प्रॉब्लम है। और अगर रॉन्ग स्केल है तो हर बार मेजरमेंट में एरर आएगा, इस तरह के एरर को बोला जाता है कॉन्स्टेंट एरर, मतलब निश्चित गलती है। ये स्केल हम किसी को भी दे दें वो जब भी मेजर करेगा पक्का रॉन्ग आएगी, क्यों, क्योंकि इट इज़ मेनली ड्यू टू रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल, स्केल ही गलत है। समझ आ गया आपको। सेकेंड सिस्टमेटिक एरर, इट इज़ ड्यू टू सम पैटर्न, कोई पैटर्न है जिसके कारण गलती हो रही है, एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाई नोइंग देयर रीज़न, लेकिन गलती दूर कैसे हो सकती है, जब हम उसका रीज़न देख लें। गाइस पैटर्न कैसे गलत आएगा, पैटर्न गलत आने का तरीका हो सकता है कि हमें सपोज टू भी किसी भी सोर्स का, सपोज करो कि छोटे क्लासेज में आपने पढ़ा किसी भी सोर्स का पोटेंशियल मेजर करते हैं तो हमें बताया था बैटरी को पॉजिटिव से अटैच करो और नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच करो, लेकिन अगर बच्चा पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच कर देता है और फिर दूसरी के पॉजिटिव को तीसरी के नेगेटिव से, तो क्या आएगा लास्ट में, पोटेंशियल का अमाउंट बराबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पैटर्न गलत हो गया बेटा। पैटर्न पहला कॉन्स्टेंट एरर, स्केल में ही प्रॉब्लम थी, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, पैटर्न गलत है, आपका मापने का तरीका गलत है, आप जिस तरीके से उसको मेजर कर रहे हैं गाइस। तीसरा हमारे पास है रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, बच्चा रैंडम एरर, दीज आर ड्यू टू अननोन कॉज, मतलब पता ही नहीं किस कारण से हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कि यहाँ बैठ करके
कोई बंदा काउंट करके एक बंदे को यहाँ टेबल पे बैठा दे और उसको बोला जा रहा है 10-10 पेज काउंट करके आपको एक जगह इकट्ठे करने हैं। सपोज टू बी उसने 10 पेज इकट्ठे करके इधर काउंट करके 10 पेज इधर टेबल पे रखे, अचानक हवा आई और एक पेज स्लिप करके नीचे गिर गया, उसने फिर 10 पेज इकट्ठे करके दूसरी तरफ रख दिए, बट वेटर लास्ट में ओवरऑल देखेंगे तो एक पेज गायब है। ये उसको भी नहीं पता कि क्यों गायब है, क्योंकि हवा से उड़ गया। तो यहाँ बोला गया है एक्सीडेंटल, अचानक से होने वाली गलती, हम नहीं करना चाह रहे थे बट हो गई। केमिस्ट्री लैब में आपने कभी काम किया, सपोज करो कि ब्यूरेट से आने वाली ड्रॉप काउंट कर रहे हैं और अचानक क्या हुआ कि ब्यूरेट से ड्रॉप आ रही थी और एक एक्स्ट्रा ड्रॉप वहाँ से लीक आउट होकर के गिर गई, हमें 5 ड्रॉप डालनी थी बट बाई चांस 5 के साथ 6 ड्रॉप डल गई, एक्सीडेंटल एरर है। दीज आर द एक्सीडेंटल एरर। तो क्या करेंगे, साफ साफ लिखा गया है दीज आर रिड्यूस्ड बाई टेकिंग द रीडिंग एट लॉट ऑफ टाइम्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार रीडिंग ले लो। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा बार रीडिंग लेंगे तो एटलीस्ट रैंडम एरर तो हमारा रिमूव हो ही जाएगा। कभी आपने ध्यान दिया नहीं या आपकी टीचर ने आपको बताया नहीं, हमें ना हमेशा फिजिक्स में आप लैब करेंगे, केमिस्ट्री में लैब करेंगे, बायो में लैब करेंगे, तो वहाँ पर ना टीचर आपको आकर के बोलेगी बेटा एटलीस्ट 3-5 रीडिंग लेनी है। दैट मींस यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इनसाइड द लैब बाय टेकिंग 3-5 रीडिंग। कभी सोचा कि 3-5 रीडिंग क्यों ली जा रही है, जबकि आप पहली रीडिंग बहुत ज़्यादा प्रिसेशन से करते हैं, पहली रीडिंग ही बिल्कुल सावधानी से ली गई है, फिर उसके बाद भी 3 रीडिंग क्यों ली जा रही है। वो ऐसा इसलिए लिया जा रहा है ताकि टीचर पहले ही प्रिपेयर है, इफ़ यूज़ किया है, इफ़ सम रैंडम और एक्सीडेंटल एरर आर अकर्स इनसाइड द एक्सपेरिमेंट दैट गेट वी ऑटोमेटिकली रिड्यूस देयर। अगर कोई एक्सीडेंटल एरर आ भी गया तो वो एक्सीडेंटल एरर बेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपने 10th क्लास में भी देखा, 10th क्लास में फिजिक्स में आपके टीचर ने ओम स्लो करवाया, आपको बार बार बोला बेटा रीडिंग इनसाइड द वी और रीडिंग इनसाइड द आई, दैट मीन्स वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग को 3 बार लो, वी इज इक्वल टू आई आर लगा लो, आर निकालना वी बाई आई निकालो, 3-3 रीडिंग ली आपने। आप लोगों ने 9th क्लास में ओवरफ्लो केन के अंदर भी 3 बार रीडिंग ली। अब प्लस 1 में आए हैं आप, आपकी लैब स्टार्ट होंगी तो वर्नियर कैलिपर से आप 3-5 टाइम्स रीडिंग लेंगे और लास्ट में क्या कर देते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। वो इसीलिए किया जा रहा है सो दैट वी डू द रिमूवल ऑफ रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, कि अगर किसी जगह पर रैंडम और एक्सीडेंटल एरर आ भी गया है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। आई होप गाइज आप लोगों को एरर भी समझ आ गया होगा। द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। कॉन्स्टेंट एरर ड्यू टू द रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल, पैमाना गलत था आपका। सिस्टमेटिक एरर, किसी पैटर्न के कारण कोई तरीका ही गलत है आपका मेजर करने का, उसके कारण अराइज हो गया। तीसरा रैंडम और एक्सीडेंटल एरर है आपका। तो गाइज ये अननोन फैक्टर के कारण है, जो भी अननोन एरर होते हैं वो एवरेज वैल्यू के ऊपर डिपेंड होते हैं। दैट मीन्स जब भी हम निकालेंगे, सपोज करो कि अगर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी निकालनी है a1 प्लस a2 प्लस 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 an और डिवाइडेड बाई n, एवरेज वैल्यू ले लीजिएगा, आपकी वैल्यू अपने आप ठीक होकर के आ जाएगी। तो गाइज समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर को यूटिलाइज करना सिखाएंगे आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, बार बार बोला जा रहा है ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल जाए पढ़ने में। थैंक यू।